एपिसोड 109। पोर्क इज प्रिशियस। वो शायद जंगली पिग्स होते होंगे। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ। पिग्स को इंसानों का पालतू होना पसंद नहीं है। उसे भी पोर्क खाए हुए समय हो गया था। उस पोर्क को देखकर निया के मुंह में पानी आ जाता है। कई एनिमल का मीट मिलना बीफ से मुश्किल है। उसने तो ये कीमती पोर्क भी कभी नहीं खाया था, निया बोलती है। ठीक है, तो फिर इसे घर ले चलो, कल खाते हैं। जिराज निया के सर पर मारते हुए बोलता है, बेवकूफ, ये कल तक खराब हो जाएगा। तुमने किसी को देखा है जिन्होंने हॉट सीजन में मीट को रात भर रखा हो? वो अपना एक हाथ अपने दर्द करते हुए सर पर रखती है। उसे रोने का मन हो रहा था। तुम्हारी और मेरी दुनिया में गैप है, निया बोलती है। अभी इसे रख लो, मुझे पता है ये कैसे खराब नहीं होगा। वो सिर्फ थोड़ा सा सॉल्ट बिगाड़ने वाली थी। मीट को संभाल कर रखना रोज का काम नहीं है। जिराज को अभी भी शक था, लेकिन उसने समय समय पर निया का तेज दिमाग देखा था। फिर वो उसे ज्यादा जोर नहीं देता है। वो मुस्कुरा कर बोलता है, अगर ये कल खराब हो जाता है तो रोना मत। निया सर हिलाकर बोलती है, मैं नहीं रोऊंगी। क्योंकि नागाल बहुत देर से चुप बैठा था, तो अपना सर उसकी तरफ करती है। वो देखती है कि नागाल खुद की स्किन टच कर रहा है। वो पूछती है, बहुत गर्मी लग रही है क्या? फिर वो नागाल के जवाब का इंतजार नहीं करती है और जिराज को बोलती है, मेरा खाना हो गया है, मैं नागाल के साथ जाऊंगी, तुम और सिंगराज यहीं रुककर आराम से खाकर आना। जैसे ही निया उठती है, जिराज का मन उसके पीछे जाने को हो रहा था, लेकिन निया उसके कंधों पर हाथ लगाकर उसे रोक देती है। वो बोलती है, तुमने अभी थोड़ा सा ही खाया है, मुझे पता है अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा है, जब तुम्हारा पेट ठीक से भर जाए तभी आना। जिराज अभी भी भूखा था, लेकिन फिर भी वो नीचे सिर्फ निया के कहने पर ही बैठा था। वो नागाल की तरफ देखता है, उसकी आंखों में गुस्सा है। वो जानता था कि ये आदमी मुझे साथ में नहीं आने देगा, अब चीजें ठीक होंगी। उसे निया से अकेले में बात करने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि उस स्नेक को निया के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया। उनको देखकर सिंगराज की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थी। जिराज ने एक बार उसका मुंह देखा और वो समझ गया कि वो क्या सोच रहा है। जिराज बोलता है, तुम उसे कैसे भी देख लो, लेकिन वो तुम्हारी कभी नहीं होगी। सिंगराज बोलता है, तुम्हारी फीमेल का ध्यान रखना, मुझे नहीं लगता कि सुमित के इरादे अच्छे थे। जिराज दुखी होकर बोलता है, तुम मुझे मत सिखाओ, किसी और का कोई चांस नहीं है। निया ने मुझे पहले ही बताया है कि वो सिर्फ मुझे और वो स्नेक को ही पसंद करती है, उसे और कोई नहीं चाहिए। सिंगराज कोई जवाब नहीं देता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। जब वो कोई जवाब नहीं देता है, तो ये देखकर जिराज का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। वो अपना बचा हुआ मीट खाता है और मन में ही सिंगराज की बातों का जवाब देता है, सुमित अच्छे इरादे से नहीं आया था, ये कहना क्या चाहता है? बहुत जल्दी जिराज के मन से ये विचार चले जाते हैं, वुल्फ ट्राइब के लोग कभी इतना नहीं सोचते हैं। मेल तो किसी फीमेल को मेट बनाने के चक्कर में पूरी जिंदगी की खुशी दांव पर लगा देते हैं। सुमित को निया के पीछे पड़ने के लिए पहले उसे पसंद करना पड़ेगा। रोड पर अंधेरा हो गया है और निया को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। उसके पैर में पत्थर ना लग जाए, इस चक्कर में वो नागाल के ऊपर बैठ जाती है। निया नागाल की पीठ पर लेट जाती है और फिर शांति से पूछती है, आज तुम बोर हो गए थे क्या? तुम कुछ बोल ही नहीं रहे थे। अपनी पीठ पर वजन फील करके उसको अच्छा लग रहा था। वो मुस्कुराकर बोलता है, अगर मैं हाँ बोल दूं तो क्या तुम अब से ऐसी पार्टीज अटेंड नहीं करोगी? निया मुंह बनाकर बोलती है, मैं फिर भी करूंगी, क्योंकि ये साल में एक बार ही तो होती है। इस 16 साल की उम्र में भले ही यहां खेलने खाने का कुछ भी नहीं हो, लेकिन उसे देखकर ही अच्छा लगता है। नागाल बोलता है, अगर तुम जाओगी तो मैं भी जाऊंगा, खासकर ऐसी जगह जहां उसे लोगों से बचाने के लिए उसके साथ रहना पड़े। एपिसोड 110। डॉग्स कांट चेंज देयर हैबिट ऑफ ईटिंग फीसीज। वो घर पहुंचे, उसके पहले ही उन्हें एक छोटे पक्षी की कुकू की आवाज आती है। कई छोटे छोटे एनिमल्स बाहर से झांक रहे थे। उनको अंदर आना था, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उन दोनों को आता देखकर एक कब जाग जाता है और एक ही क्षण में गायब हो जाता है। निया जोर जोर से हंसने लगती है। फिर वो नागाल को नीचे उतारने का इशारा करती है।
निया अंदर जाते हुए बोलती है, इन लोगों का इन छोटे एनिमल्स को खाने का कोई मन नहीं है, है ना? इन छोटे पक्षियों को कुछ नहीं खिलाया है, ये लोग भूखे होंगे। जैसे ही नागाल अंदर जाता है, कुकू की आवाज बंद हो जाती है और वहां पूरी शांति हो जाती है। निया को पता नहीं था कि वहां क्या चल रहा है, फिर भी वो बोलती है, ये छोटे पंख वाले पक्षी कहां गए? ये तुमसे इतना डरते हैं कि सब चुप हो गए। कुकू करते हुए छोटे पंख वाला पक्षी दो बार चीखता है, क्योंकि नागाल उसे उसके पैर पकड़कर उठा लेता है। वो उसे लेकर निया के पास जाता है। निया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो पूछती है, ये क्या खाता है? नागाल बोलता है, ये छोटे पंख वाले पक्षी ओमनिवोरस होते हैं, ये कुछ भी खा सकते हैं। पहले निया ने उन्हें राइस खिलाने का सोचा, फिर उसे याद आया कि यहां पर राइस कितना महंगा है। फिर सोचती है कि क्यों ना वो उन्हें बास्केट में से फिश निकाल कर दे दे। वो बोलती है, देखते हैं ये फिश खाते हैं या नहीं। नागाल भी मान जाता है, ठीक है। नागाल फिश बास्केट निकालने के लिए नदी पर जाता है। उधर निया पोर्क धोने के लिए गई और फिर वो उस पर थोड़ा सॉल्ट डाल देती है। उसे लगता है कि रात में टेम्परेचर ज्यादा नहीं था तो पोर्क खराब नहीं हुआ होगा। नागाल फिश लेकर आया, लेकिन उन पक्षियों ने खाने से मना कर दिया। उन दोनों को लगता है कि नागाल के वहां रहने से वो डर रहे हैं। यही सोचकर वो लोग पक्षी के सामने फिश रख देते हैं और बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। जब जिराज आता है, निया नहा चुकी थी। वो अंधेरे में नागाल के साथ अकेले रहने में डर रही थी। फिर वो जैसे ही जिराज को आते देखती है, तुरंत बोलती है, अरे जिराज, तुम आ गए। अपनी फीमेल को देखकर जिराज खुश हो जाता है। वो अपनी स्कर्ट फाड़ देता है और दहाड़ता हुआ निया पर झपट्टा मारने जाता है। उड़ते हुए वो हवा में लेपर्ड बन जाता है। जब निया देखती है कि एक काला साया उड़ते हुए उसकी तरफ आ रहा है, तो वो अपने सर को बचाने के लिए अपने हाथ ऊंचे कर देती है। वो साइलेंटली जिराज को डांटती है, ये डरपोक लेपर्ड, ये मुझे मारना चाहता है क्या? वो निया पर तो झपट्टा नहीं मार पाता है, लेकिन दीवार पर जा गिरता है और वहां पर नागाल की पूंछ भी थी। जिराज दहाड़ता हुआ घास के ढेर पर गिर जाता है और अपना दर्द कम करने के लिए रोल हो जाता है। निया जिराज का पेट सहलाती है और नागाल को बोलती है, तुम इसे हमेशा मारा मत करो। जब जिराज को सुनाई देता है कि निया नागाल को डांट रही है, तो उसका दर्द गायब हो जाता है, बल्कि वो नाग को धन्यवाद देता है कि उसने जिराज को मारा। जब निया उस तेंदुए का पेट सहला रही थी, तब उसका पेट मुलायम था, लेकिन अब वो एकदम कड़क हो जाता है। वो एकदम से अपना हाथ हटा लेती है। जिराज पलटकर निया का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम उस भेड़िए के चक्कर में मत पड़ो, मैं तुमको बता रहा हूं, कुत्ते अपनी आदत कभी नहीं भूलते और भेड़िए के लिए भी यही बात लागू होती है, उनको अपनी पसंद की लड़कियां खाना अच्छा लगता है। निया चुप हो जाती है और नागाल भी चुपचाप बैठा सुन रहा था। निया का मुंह मुड़ जाता है, क्योंकि वो मन में चिल्ला रही है, मैं बता नहीं सकती तुम दूसरों को बदनाम करने में कितने एक्सपर्ट हो। ये मत कहो कि वो एक भेड़िए को साथी बनाने का सोच रही है, उसने तो उस भेड़िए की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। जिराज का मुंह पकड़कर अपनी तरफ कर लेता है और बोलता है, मैंने कुछ कहा, तुमने सुना? निया को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? जिराज बोलता है, मैं सही बोल रहा हूं, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो नागाल से पूछ लो। वो नागाल की तरफ देखकर ऐसे आंखें मिचकार रहा था जैसे उसे संकोच हो रहा हो। अंधेरे में से नागाल की शांत आवाज आती है, हां। निया को बहुत दुख हुआ। वो मन में बोलती है, वो भेड़िया तो कितना हैंडसम लग रहा था, वो ऐसी गंदगी खाता है। जिराज नागाल की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है। अब नागाल को पहली बार लगा कि ये तेंदुआ किसी काम का है। एपिसोड 111, वन ग्रीन क्रिस्टल फॉर 10 ईयर्स लाइफ स्पैन। अब जब जिराज वापस आ गया था, तो निया सिंगराज के बारे में बात करना शुरू करती है। वो बोलती है, आज सिंगराज ने मुझे ग्रीन क्रिस्टल खिलाया। जिराज झटके से उठकर बोलता है, क्या? सिंगराज ने एक्चुअली हर्बीवोरस पशु मानव को पकड़ा था। हर्बीवोरस बड़े पशु मानव सिर्फ पेड़ पौधे ही खाते हैं और इनमें लड़ने की क्षमता भी कार्निवोरस पशु मानव से कई ज्यादा होती है। ये लोग कार्निवोरस पशु मानव से बड़े होते हैं। इनकी चमड़ी कड़क और लचीली होती है। इनसे सिर्फ फोर्स टाइप पशु मानव ही जीत सकते हैं
और इनसे जीत पाना उनके लिए भी मुश्किल है। नागाल बोलता है, अगर फ्यूचर में मुझे ग्रीन क्रिस्टल मिलेगा तो मैं उसे लौटा दूंगा। निया सर हिलाते हुए बोलती है, हाँ मुझे भी ये नहीं चाहिए था, ये अनमोल होता है, लेकिन इसके खाने से एग्जैक्टली होता क्या है? मुझे तो खाने के बाद बहुत अच्छा लगा। जिराज इसका जवाब देता है, नॉर्मल ग्रीन क्रिस्टल खाने के बाद पशुमानव की उम्र 10 साल बढ़ जाती है। मेरी माँ को देखो, वो कितनी जवान लगती है। वो इसीलिए कि मेरे पापा हर 10 साल के बाद उन्हें एक गिफ्ट देते थे। निया बोलती है, वाह, अगर वो हर साल एक खाएगी तो वो हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह पाएगी। जिराज बोलता है, पता नहीं, हर बार लोग सफल नहीं होते हैं। फोर्स ट्राइब पशु मानव जो पशुनगर में सबसे ज्यादा जिया है तो वो 100 साल है। मेरे पिताजी भी 70 साल के हैं और अब वो कभी भी, ओ तो कोई भी से पाने के लिए अभी लाइफ के लिए खतरा मोल नहीं लेते। निया बड़े पशु मानव के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। इनके बॉडी एनर्जी क्रिस्टल बाहर कैसे आते हैं? क्या ये बहुत बड़े होते हैं इसीलिए इनकी बॉडी की एनर्जी क्रिस्टल बन जाती है? निया घास के ढेर पर रेंगते हुए नागाल के पास जाकर उसे आवाज लगाती है, नागाल, और बोलती है, तुम इतने भयंकर हो, तुमने आज तक किसी हर्बीवोरस पशु मानव को मारा है? तुमने आज तक कभी ग्रीन क्रिस्टल खाया है? तुम कितने साल के हो? मैंने आज तक कभी तुमसे नहीं पूछा है। नागाल उस लड़की को जो उसके पास आई है उसे देखता है। नागाल उसे अपने पास पकड़कर रखना चाहता था लेकिन उसके पास खाली जमीन थी, उससे काम नहीं चलेगा। उसे उस तेंदुए की तरह आरामदायक बिस्तर चाहिए था। नागाल आराम से बोलता है, मैंने खुद को ऊपर रखने के लिए कुछ को मारा है। उसके चेहरे पर खुशी दिखाई देती है, मैं शायद 40 साल का हूं, कभी गिनकर नहीं रखा है। ओ, निया को अजीब लगता है, वो तो काफी बड़ा निकला, उसके पापा से भी बड़ा निकला, मैं तो सिर्फ 16 की ही हूं। जिराज भी नागाल को आश्चर्य से देखने लगता है। कहते हैं कि नाग के कई स्वभाव होते हैं। ये नाग पशु मानव को इतनी लेट लड़की मिली है, उसकी ताकत की वजह से वो अपनी जवानी में गांव से कई लड़की उठा सकता था। लेकिन अब जिराज का यह आश्चर्य दूर हो गया था कि नागाल को 4 एनिमल स्ट्राइप्स कैसे मिले हैं। अगर उसे अपनी जवानी में या 20 की उम्र में 4 एनिमल स्ट्राइप मिले होते तो आश्चर्य की बात होती। तभी छोटे पंख वाले पक्षी बाहर कुकू करते हैं, शायद उनको जो खाना दिया था वो उसे खा रहे हैं। निया राहत की सांस लेती है, फिर वो घास पर लेटकर आंखें बंद कर लेती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, चलो हम इन छोटे पंखों वाले पक्षियों को खिलाने में कामयाब रहे। किसी भी नाइट एक्टिविटी के लिए निया जल्दी ही सो जाती है। अगले दिन जब वो उठती है तो उसे उसकी बॉडी पर किसी की छुअन महसूस होती है। निया अपनी आंखें मलते हुए उठती है, उसे अपने नीचे कुछ ठंडा महसूस होता है। जब वो अपने पैर करीब लाती है तो उसे अपने पैर पर किसी का ठंडा हाथ फील होता है। वो चिल्लाने लगती है, आह! नागाल निया के पास लेटा हुआ था। वो बोलता है, तुम उठ गई? उसका एक हाथ अभी भी निया के ऊपर ही था। उसकी आंखें लाल थी और वो निया को ही घूर रहा था। वो उन आंखों और जो गलत चीजें हो रही थी उसके बीच तालमेल नहीं बैठा पा रही थी। निया नागाल का हाथ हटा देती है और पीछे हट जाती है। जिराज जो निया की चीख सुनकर उठ गया था वो कूद के खड़ा हो जाता है। वो दहाड़ता है और चौकन्ना होकर इधर उधर देखता है कि कहीं कोई घुस तो नहीं आया। निया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो नागाल को घूरती है और बोलती है, ये तुम क्या कर रहे थे? एपिसोड 112, स्टिर फ्राइंग फूड फॉर द फर्स्ट टाइम। नागाल बोलता है, मैं चेक कर रहा था कि तुम्हारे पीरियड्स गए या नहीं। फिर नागाल की निगाहें घास पर पड़ी कॉटन पर जाती है, उस पर ब्लड के धब्बे लगे हुए थे। मैं तुम्हारी कॉटन बदलने में हेल्प कर रहा था। निया अपने चेस्ट पर अपना हाथ रखकर राहत की सांस लेती है और बोलती है, ओह आई सी, ये एक पशु मानव ही कर सकता है, लेकिन ये अच्छा हुआ कि उसने निया के साथ बदतमीजी नहीं की जैसा कि निया ने सोचा था। जिराज घास पर लौटते हुए इंसान बन जाता है, उसकी पूंछ उसके पैरों के बीच आ जाती है। वो बोलता है, मौसम नम पर नम होता जा रहा है, इसके कारण दम घुट रहा है। नागाल साफ कॉटन निया को देता है। अब जब जिराज को भी बुरा लगा तो निया को और भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे ज्यादा खराब इसीलिए लगा क्योंकि उसके पीरियड लंबे समय तक चल रहे थे। ये कब खत्म होंगे? वो सोच रही थी कि
ये शायद उसे पहले जो सर्दी हुई थी उसकी वजह से हो रहा है। उसे पछतावा हो रहा है, उसे वो नहीं करना चाहिए था। आज की सुबह तो कोहरा भी बहुत ज्यादा था, पंखों वाले कीड़े भी झुंड में नीचे उड़ रहे थे। सबसे ज्यादा देखने लायक तो ड्रैगन फ्लाइज थे, और फिर फ्लाइज कोई भी चलते हुए उनसे टकरा जाए। पक्षी भी नीचे ही उड़ रहे थे, छोटे पंखों वाले पक्षी भी काफी देर से बंधे हुए थे। जब उन्हें कोई कीड़ा दिखाई देता तो वो उसे खाने के लिए अपने पंख फड़फड़ाते। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अभी पशु मानव की तानाशाही की आदत हो गई थी, और अब उन्हें जिराज या नागाल से डर भी नहीं लगता था। निया नदी पर थी, फिर जब वो देखती है कि नागाल नदी पर फिश बास्केट लेने आ रहा है तो वो उसे रोक देती है। वो बोलती है, मुझे अभी स्टीम्ड एग्स खाने हैं, हमारे पास कल का पोग भी रखा हुआ है, अभी फिश निकालने की जरूरत नहीं है, इन्हें हम अगले खाने के लिए बचा कर रखते हैं। नागाल मान जाता है, ओके। वो नीचे बैठ जाता है और राइस धोने लगता है। अंदर से जिराज की आवाज आती है, अभी मीट खराब नहीं हुआ है, ये सॉल्टी लग रहा है। निया नंगे पैर वापस जाती है, उसके पैरों के नीचे ठंड लग रही थी। वो बोलती है, मैंने कहा था ना कि ये खराब नहीं होगा। वो सोच रही थी कि यहाँ की लड़कियां ठंड में जूते पहनती होंगी या नहीं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो नहीं भी पहनती हो फिर भी निया पहनेगी, फिर चाहे वो अजीब ही क्यों ना लगे। कल जो लकड़ियां लाए थे उन्हें काटकर जिराज खाना बनाने लगता है। उसमें पानी ज्यादा था तो धुआं भी थिक निकल रहा था, लकड़ी के ऊपर सफेद बबल्स भी दिख रहे थे। नागाल ने बाबीक्यू के लिए बैम्बू उसी जगह पर लगाए थे। निया जिराज को पोक को स्लाइस में काटने को बोलती है, फिर वो उन्हें स्टोन पॉट में डाल देती है। जिराज पूछता है, आज हम लोग पोक स्टीम करके बनाने वाले हैं। निया जवाब देती है, इसमें हम लोग पानी नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ थोड़े से तेल में तलेंगे। निया को इस तरह बना खाना खाए काफी दिन हो गए थे, उसे ऐसे खाने के लिए बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन अभी भी हरी मिर्ची और कुछ मसाले नहीं थे। उसे पता नहीं था कि नॉर्मल तला हुआ मीट कैसा लगेगा, ये नई डिश थी तो इसे सिर्फ निया ही बना सकती थी। जब पॉट गर्म हो जाता है तो जिराज उसे बैम्बू में ऑयल लाकर देता है। जिराज थोड़ी सांस लेते हुए बोला, अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। निया उसके हाथ से ऑयल लेकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, पोक को उसमें डालने से पहले वो पॉट में थोड़ा तेल डालती है। पोक डालते ही उसमें से आवाजें आने लगती हैं और कुछ ही देर में उसकी खुशबू हवा में फैल जाती है। निया पोक को टू लेयर फैट के साथ फ्राई कर रही थी, इसीलिए अब पॉट में ज्यादा तेल दिख रहा था। जिराज उसको आश्चर्य से देखता है और फिर बोलता है, पहले तो मैंने देखा था इसमें बहुत कम ऑयल था, लेकिन अब अचानक इतना ऑयल कहां से आया। निया बोलती है, और तुम मुझे स्टूपिड बोलते हो, ये फैटी मीट है इसीलिए। मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना ऑयल आ जाएगा। निया उसे थोड़ा फ्राई करती है और फिर पॉट में जिंजर, गार्लिक, सिशवान पेपर और भी कई मसाले डालती है। अचानक खुशबू और अच्छी आने लगती है। जिराज ने इसे पहले कभी खाया तो नहीं था, लेकिन सिर्फ उसकी खुशबू से ही उसके मुंह में पानी आने लग गया। बिना किसी मसाले के वो 1 किलो मीट अब फ्राई करने से एक प्लेट बन गया था। वो बाहर से गोल्डन ब्राउन लग रहा था और उसकी खुशबू भी काफी अच्छी थी। वो सच में किसी की भी भूख बढ़ा सकता है। निया जब देखती है कि जिराज बड़े ध्यान से मीट को देख रहा है तो वो चॉपस्टिक से निकालकर एक पीस जिराज को देकर बोलती है, लो ट्राई करो।